एक बहुत ही खास प्राकृतिक उपाय के बारे में बात करेंगे जो नी और जॉइंट पेन को कम करने में बहुत मददगार साबित हुई है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में करोड़ों लोग हर दिन नी और जॉइंट पेन से जूझते रहते हैं। यह दर्द कई बार इतना ज्यादा हो जाता है कि हमारी रोजमर्रा की गतिविधियों पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे नेचुरल उपाय के बारे में बताने वाला हूं जो प्रभावी होने के साथ साथ बेहद किफायती भी है। मैं आप इस उपाय को आज से और अभी से शुरू कर सकते हैं और इसके बड़े गजब के फायदे ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका कोई नुकसान नहीं है क्योंकि ये सेफ और 100% नेचुरल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और जानते हैं इस रेमेडी के बारे में कि यह क्या है और कैसे इसको हमें इस्तेमाल करना है। दोस्तों, इस रेमेडी के बारे में जानने से पहले आइए समझते हैं कि आखिर हमारे अंदर जोड़ों का दर्द और घुटनों का दर्द क्यों होता है। मुख्यतः हमारे शरीर में जॉइंट पेन के दो बड़े कारण होते हैं। पहला, इन्फ्लेमेशन यानी सूजन, और दूसरा, कार्टिलेज का घिस जाना। इसके अलावा कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि वजन बढ़ने की वजह से जोड़ों में ज्यादा प्रेशर पड़ता है, इनएक्टिविटी और एक्सरसाइज की कमी से मसल्स कमजोर हो जाती है। वैसे चाहे कारण कोई भी हो, जोड़ों का दर्द हमारी लाइफ पर बहुत बुरा असर डालता है। सोचिए, अगर आप सीढ़ियां चढ़ने से मजबूर हो जाएं या दूर तक चल ना पाएं, तो आपके कॉन्फिडेंस और जीवन पर कितना बुरा असर पड़ेगा। इसलिए इस दर्द को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अक्सर जब शुरुआती दौर में जोड़ों में दर्द होता है तो हम पेन किलर लेते हैं, लेकिन यह सिर्फ अस्थाई राहत देते हैं और समस्या बढ़ती चली जाती है। अब आइए समझते हैं कि इस दर्द को कैसे मैनेज करना है। पेन किलर्स इलाज नहीं है, वे सिर्फ अस्थाई आराम देते हैं। इसलिए लोग ट्रेडिशनल मेडिसिन और नेचुरल अल्टरनेटिव्स की तरफ रुख कर रहे हैं ताकि इस समस्या को परमानेंटली और बिना किसी साइड इफेक्ट के ठीक कर सकें। बहुत सारी नेचुरल चीजें हैं जो जोड़ों के दर्द के लिए उपयोगी होती हैं, जैसे हल्दी वाला दूध, आयुर्वेदिक दवाएं और जड़ी बूटियां। लेकिन आज की इस वीडियो में जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं वह अलग है। ये बहुत ही सरल और पूरी तरह से सुरक्षित है। ये एक अनाज है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। ये आपके डाइजेशन को सुधारने में मदद करता है, सूजन को कम करता है और हड्डियों और कार्टिलेज को मजबूती देता है। तो क्या आपने कोई अनुमान लगाया है कि यह कौन सा अनाज है? यदि नहीं तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूं कि यह अनाज है बार्ले यानी जौ। जौ में पाए जाने वाले एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स और फाइबर जॉइंट पेन को कम करने में मददगार होते हैं। जौ का उपयोग करने के लिए आपको लगभग 50 ग्राम जौ चाहिए। इसे एक गिलास पानी में 6-8 घंटे या रात भर भिगोएं। सुबह उठकर इसे एक बर्तन में डालें और 15-20 मिनट तक उबालें। इसके बाद इसे ढककर 4-5 घंटे के लिए छोड़ दें। फिर इस पानी को छान लें और आपका बार्ले वाटर तैयार है। इस पानी को रोजाना एक बार पीजिए और यह आपके जोड़ों और हड्डियों के लिए बेहद फायदेमंद होगा। बार्ले वाटर में बीटा ग्लूकन्स, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस जैसे मिनरल्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और हड्डियों को मजबूती देते हैं। लेकिन यदि आपको ग्लूटेन से एलर्जी है या सिलियक डिजीज है तो आपको बार्ले नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा यदि आप किसी क्रॉनिक इलनेस से पीड़ित हैं या गर्भवती हैं तो पहले डॉक्टर से सलाह लें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि बार्ले वाटर आपके जॉइंट और नी पेन के लिए कितना कारगर हो सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे साथ आगे भी बने रहिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हेल्दी